यीशु के नाम में प्यार आप सभी का आज की इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में हम स्वागत करते हैं। आई प्रार्थना में जाए परमेश्वर की सहायता मांगे आज की आराधना में। आइए प्रभु से कहे कि प्रभु तुझे श्रेष्ठ महिमा में दे पाऊँ, तेरी आराधना करने के लिए आत्मा और सच्चाई से तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए अनुग्रह दीजिए। प्रभु सब कुछ मैं भूल कर, चाहे जिस किसी परिस्थिति में मैं हूँ, मैं सब कुछ भूल कर आज प्रभु आपकी आराधना कर पाऊँ। कहिए प्रभु से कि प्रभु तेरी और देखने का अनुग्रह दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर की ओर देखते हुए कभी लज्जित नहीं होंगे, उनके सिरों को प्रभु चमकाएगा, उनके ऊपर अपना प्रकाश डालेगा, उनको लज्जित नहीं होने देगा, उनके सिरों को शर्म से झुकने नहीं देगा। वो हमारा परमेश्वर है, जो उसकी ओर देखता है वो तेजोमय होता है। आए प्रभु की ओर देखे। हाँ जरूर हमारे आसपास की परिस्थिति खराब है, हो सकता है आप में से कोई बीमार हो सकता है आपको अपने बिजनेस की चिंता हो सकता है आपको और कोई चिंता हो, परिवार का गुजारा करने की चिंता हो, आप ये महामारी के कारण भयभीत हो सकते हो। प्यारो काफ़ी कुछ बातें आपके मन में घूमती होगी, लेकिन हम दुआ में जब अभी जा रहे प्यारो, हम प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु इन सब से उठकर आपकी ओर देखने का अनुग्रह दीजिए। परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, हम आपकी ओर देखना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह हम पर होने दीजिए प्रभु, हम सब कुछ भूल कर आपकी ओर देखें प्यारे पिता, क्योंकि आपकी ओर जो देखता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, हमारे दुख दर्द चिंता बोझ और डर के बीच हम सब कुछ भूल कर यीशु मसीह आपकी ओर देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ओर से ही हमारी हर एक आशाओं की परिपूर्णता है प्रभु, आपकी ओर से हमारी जरूरतों की पूर्ति है प्रभु जी, आपकी ओर से चंगाई है छुटकारा है। परमेश्वर आपकी ओर हम देखना चाहते हैं ताकि हमें लज्जित ना होना पड़े, लेकिन हम विजयवंत हो। यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह पर होने दीजिए। यीशु मसीह के नाम से जो भी आज हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं वो अनुग्रह पाए कि अपनी परिस्थिति से ध्यान हटाकर आपकी ओर देखे, ताकि आज उनके लिए समय विजय का समय बन जाए, आशीषों का और छुटकारे का समय बन जाए। यीशु की सामर्थ उनके हृदयों में, जीवनों में, परिवारों में, उनके बिजनेस में, नौकरी में, शरीरों में बहे और आज वे छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हमारी ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में लाते, आप कबूल करें। आमेन आमेन। ऐ प्यारो प्रभु को धन्यवाद दे उनके प्रेम के लिए, और ये गाना प्रभु की आराधना करते हुए गाएंगे, कैसा तेरा प्यार है यीशु, कैसी अपार तेरी दया है और कैसा अद्भुत तेरा अनुग्रह है। ये प्रभु का अनुग्रह है कि जब हम गुनहगार थे वे हमारे खातिर मरे। प्यारो ये परमेश्वर का प्यार है प्यारो, हम अच्छे हो फिर वो हमारे लिए कुछ करे इसकी वेट नहीं की उन्होंने, जब हम पापी थे, जब हम गुनहगार थे तब यीशु हमारे लिए मरे। आए प्रभु को महिमा दे प्यारो। कुछ ला गया मैं चंगा हूं।
गया। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। यारों जब से यीशु हमको मिले, जीवन के वो मोड़ से हमारे जीवनों में परिवर्तन आया। आए प्रभु को कहे, प्रभु तेरे मिलने से मेरा जीवन बदल गया। यीशु मैं पहले निस्सहाय और अनाथ था, लेकिन अब मेरी सहायता स्वर्ग से आती है। पहले मैं अनाथ था, लेकिन अब मेरा पिता स्वर्ग में विराजमान है। मैं पहले अकेला था, लेकिन हर पल 24 घंटे कोई है जो मेरे साथ रहता है, वो मेरा प्रभु यीशु है। आयु से महिमा दे। एक ऐसे मोड़ पर प्यार से खिल खिल गया। एक ऐसे मोड़ पर तू मुझे मिल गया, सुना सा जीवन मेरा तेरे प्यार से फिर खिल गया। यहोवा जब मुझे साथ तेरा मिला, दिल मेरा खुशियों से फिर खिल गया। यहोवा जब मुझे साथ तेरा मिला, दिल मेरा खुशियों से फिर खिल गया। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। हाथों को उठाकर प्रभु से कहे, प्रभु मैं जहां भी हूं, जिस किसी परिस्थिति में हूं, प्रभु मैं अकेला नहीं हूं, तू मेरे साथ है। हर कठिन राहों में भी प्रभु यीशु आप मेरे साथ हो, आप अकेले नहीं चल रहे हो प्यारो। आपके कठिन राहों में यीशु खुद आपके साथ है। हालेलुया, अपने हाथों को उठाए, प्रभु को महिमा देते हुए गाए। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। प्रभु यीशु एक माँ के समान मुझे और आपसे प्रेम करता है प्यारों। उसका प्रेम माँ के प्रेम से भी बढ़कर है। प्रभु का वचन कहता है, दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं कभी भी आपको नहीं भूलूंगा, मैं कभी भी आपका त्याग नहीं करूंगा, क्योंकि उसका प्रेम माँ के प्रेम से भी बड़ा है। आए हाथों को उठाए प्रभु से कहे, प्रभु तेरा धन्यवाद। ममता से भरा पाक यहोवा, जीवन भर मेरे है अनुग्रह तेरा। ममता से भरा पाक यहोवा, जीवन भर मेरे
करूं, मैं जहां भी हूं तू वहां भी है, मैं जहां चलूं तू साथ मेरे चले, मैं जहां भी हूं तू वहां भी है, मैं जहां चलूं तू साथ मेरे चले। तू ही प्यार करता है मुझसे यीशु, तू ही प्यार करता है मुझसे, हाथों को उठा कर गाए यीशु को प्यार करता, तू ही प्यार करता है मुझसे यीशु, तू ही प्यार करता है मुझसे यीशु। मैं जहां भी हूं तू वहां भी है, मैं जहां चलूं तू साथ मेरे चले, मैं जहां भी हूं तू वहां भी है, मैं जहां चलूं तू साथ मेरे चले। किसी परिस्थिति में हो आज विश्वास साथ को उठाकर प्रभु को महिमा दे, कहे प्रभु यीशु तू मेरे साथ है, इस कठिन हालात में मैं अकेला नहीं हूं, यीशु तू मेरे साथ है। हाथों को उठाए प्रभु से कहे, प्रभु मैं चाहे पानी से होकर गुजरता हूं, पानी मुझे डुबा नहीं सकेंगे, नदियां मुझे डुबा नहीं पाएगी, आग लौ मुझे जला नहीं पाएगी, क्योंकि यीशु तू मेरे साथ है। दानियल और उसके मित्रों को प्यारो प्रभु ने ऐसा संभाला, जलती हुई भट्टी में उनको जिन्होंने डाला वो जल गए प्यारो, लेकिन इनके वस्त्रों में भी वो आग की बू नहीं आई थी प्यारो। वो परमेश्वर है, इस महामारी के समय में, इस कठिन हालात में आपको वो संभालेगा, एक माँ के समान अपनी गोद में लेकर, अपने सामर्थ्य भुजों में लेकर आपको कोई परिस्थिति को छूने नहीं देगा, देगा प्यारो। चाहे आज किसी परिस्थिति में होकर आप गुजरो, वो आपको संभालेगा, उसे आपको छूने नहीं देगा, क्योंकि वो आपको प्यार करता है। हालेलुया, हाथों को उठा कर गाए, प्रभु तू मुझसे प्यार करता है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। से भरा पाक यहोवा, जीवन भर मेरे है अनुग्रह तेरा, ममता से भरा पाक यहोवा, जीवन भर मेरे है अनुग्रह तेरा, तू चाहे जो वो मैं करूं, तू चाहे ना जो वो ना करूं, तू चाहे जो वो मैं करूं, तू चाहे ना जो वो ना करूं, मैं जहां भी हूं वहां। हाथों को उठाकर गाए प्यारो, मैं जहां चलूं तू साथ मेरे चले, मैं जहां भी हूं तू वहां भी है, मैं जहां चलूं तू साथ मेरे चले, क्योंकि तू ही प्यार करता है मुझसे यीशु, तू ही प्यार करता है मुझसे प्रभु, तू ही प्यार करता है मुझसे यीशु, तू ही प्यार करता है मुझसे यीशु। Hallelujah.
वो आपसे प्यार करता है प्यारो। जिस किसी भी परिस्थिति में आप हो प्यारो, हम नहीं जानते आप कौन सी परिस्थिति में हो, चाहे आप बीमारी के बिस्तर पर लेटे हुए हो, चाहे कर्जों के पहाड़ तले दबे हुए हो, हम आपको कहना चाहते हैं यीशु आपको प्यार करता है प्यारो। उसका प्यार माँ के प्यार से भी बड़ा है, वो आपको त्यागेगा भी नहीं और ना छोड़ेगा। हालेलुया। आइए अगले गाने में जाए, उससे पहले एक गवाही मैं आपको देना चाहता हूं। प्यारो ये जो भाई है चार्ल्स करके, इनकी ये गवाही है और ये गवाही को हम सुनकर फिर आगे प्रभु की आराधना में जाएंगे। ये भाई जो चार्ल्स है, उनका एक अकस्मात हुआ 24 जनवरी 2016 में टेक्सास अमेरिका में। और ये जो अकस्मात था, एक्सीडेंट था प्यारो, वो नॉर्मल नहीं था। आप देख पा रहे हो प्यारो, ये जो कंटेनर था 18 व्हील वाले ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो गया। 18 व्हील वाली बड़ी ट्रक से उनकी गाड़ी टकरा गई प्यारो। और आप सोच सकते हो प्यारो, इतनी बड़ी ट्रक, 18 व्हील वाली ट्रक, उससे जाकर जब इनकी गाड़ी टकराई, इनकी क्या दशा हुई होगी। ये उनकी गाड़ी की दशा थी प्यारो, पूरी गाड़ी के फुर्चे उड़ गए, पूरी गाड़ी क्रश हो गई, एकदम भंगार हो गई। हर एक दिशा से आप देख सकते हो, आगे और पीछे दोनों जगह से इतनी भारी टक्कर लगी थी जोर से कि गाड़ी पूरी टक्कर के कारण एकदम पिचक गई थी या तो क्रश हो गई थी प्यारो। और अब इनकी जो इनमें बैठे थे चार्ल्स, उनकी जो हालत हुई, ये उनकी इंजरी की लिस्ट है। इतनी सारी इंजरी इनको हुई थी, ब्रेन इंजरी थी, उनकी पसलियाँ टूट गई थी, कई सारे फ्रैक्चर, ऊपर से नीचे तक ढेर सारे फ्रैक्चर थे प्यारो। और ऐसी अवस्था में उनको एडमिट कर किया गया, उनको हेमरेज हुआ था और सीवियर इंजरी हुई थी, 10 उनकी जो पसलियाँ थी वो उसमें फ्रैक्चर था, वो टूट चुकी थी। और भी कई कॉम्प्लिकेशंस थे प्यारो, और उनके जीने की, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसी दशा में प्यारो कोई था जो उनके लिए दुआ कर रहा था, उनके मम्मी और पापा कंटिन्यूस प्यारो, ये दोनों अपने बेटे के लिए दुआ कर रहे थे। और प्रार्थना हमेशा 50, 60, 70 नहीं 100% रिजल्ट लाती है। हालेलुया। इनके मम्मी पापा प्यारो इस नाउमिद परिस्थिति में भी दुआ कर रहे थे जब इनका बेटा ये अवस्था में था, कोमा में। और डॉक्टरों ने आशा छोड़ दी कि अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। ये इनकी अवस्था है प्यारो, हॉस्पिटल में ऊपर से नीचे तक फ्रैक्चर और भयंकर अवस्था में ये थे, कोमा में थे, होश में भी नहीं थे। और अब इनके बचने की उम्मीद मिट गई थी, लेकिन इनके मम्मी पापा उनके लिए दुआ कर रहे थे। और जब ये दुआ कर रहे थे इनके मम्मी पापा, प्रभु ने उनको ये प्रॉमिस दी, ये वचन दिया। वचन कहता है, अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुँच कर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया। वो परमेश्वर है प्यारो जो हमारी दुहाई को, हमारे पुकारों को, हमारी दुआओं को सुनता है। वो छत से वापस नहीं आती। प्रभु का दास कहता है, मैंने दुआ की मंदिर में, और वो दुआ कहाँ पहुँची? परमेश्वर के पास पहुँची। और ये मम्मी पापा जब दुआ कर रहे थे अपने बेटे के लिए, प्रभु ने उनको ये प्रॉमिस दी प्यारो। और इसके बाद प्यारो इनके पूरे रिपोर्ट्स बदलने लगे। डॉक्टर अचंभित रह गए, चार्ल्स का ब्रेन जो भयंकर रीति से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका था, वह एक हफ्ते में नॉर्मल होने लगा। हालेलुया। एक ही हफ्ते में इसका ब्रेन, इसका दिमाग ठीक होने लगा। और आप देख रहे हो, सिर्फ 2 हफ्ते में ये अपने आप खाना भी खाने लगा,
ये प्रार्थना का जवाब है प्यारो। हालेलुया। एक हफ्ते में उसका ब्रेन ठीक हो गया, दो हफ्ते में अपने आप खुद खाना खा रहा है, और छह हफ्ते में तो इसे डिस्चार्ज भी मिल गया। हालेलुया प्यारो। ये हमारा और आपका परमेश्वर है प्यारो। आप भले ही कोई भी कठिन हालात में क्यों ना हो, आपकी दुआएं छत से वापिस नहीं आएगी। आपकी दुआ वो सुन रहा है जो सर्वशक्तिमान है, जिसको जीवन देने का अधिकार है, जिसमें पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, और वो जीवन दे सकता है। हालेलुया। सिर्फ छह हफ्ते में ये ठीक हो गया, और इसके बाद एज ए टेक्सास नेशनल गार्ड इन्होंने अपनी ड्यूटी, अपनी जॉब ज्वाइन की। हालेलुया प्यारो। ये हमारा परमेश्वर है, और उनके मम्मी पापा का ये कहना था, परमेश्वर जो कहते हैं वो करते ही है, परमेश्वर की भलाई सदा की है। हालेलुया। हाथों को उठाकर कहे, प्रभु यीशु तेरी भलाई सदा की है। प्रभु से कहे, प्रभु तू दुआओं को सुनने वाला प्रभु है। प्रभु मैं भय में जीना नहीं चाहता, ये कठिन हालात में प्रभु मैं विश्वास करना चाहता हूँ। मेरी दुआएं छत से वापिस नहीं आएगी, मेरी दुआओं को तू सुनता है और जवाब देता है, क्योंकि तू मुझसे प्यार करता है यीशु। कितने भी कठिन हालात से आप गुजर रहे क्यों ना हो प्यारो, यीशु आपके हालात बदलने जा रहा है। अगर विश्वास करते हो तो ऊंची आवाज में कहे आमीन। कहिए, प्रभु तू मेरी दुआओं को सुनने जा रहा है। अगर विश्वास करते हो तो कहे आमीन। प्रभु से कहे, प्रभु तू मेरी, मुझे चंगा करने जा रहा है, मेरे रिपोर्ट्स बदलने जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहे समय से भी पहले मेरे रिपोर्ट्स बदलने जा रहे हैं। आपका जिसका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल नहीं है, आप विश्वास से घोषित करें, मेरा ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल होने जा रहा है। आपका फीवर अगर नहीं जा रहा है, विश्वास से कहे मेरा फीवर दूर होने जा रहा है। अब अगर कर्जे में हो, कहिए कर्जे के पहाड़ से मैं मुक्त होने जा रहा हूँ, क्योंकि यीशु मुझे प्यार करता है, वो मेरी दुआओं को सुनता है, और मेरी दुआओं को सुनकर वो प्रत्युत्तर देने वाला परमेश्वर है। तू ही प्यार करता है मुझसे यीशु, प्यार करता है मुझसे यीशु। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ, जहाँ भी आप हो तू साथ मेरे चले। हालेलुया यार। जब वो परमेश्वर आपके साथ है, जो जब वो परमेश्वर आपके साथ चल रहा है प्यारो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। एक और गाना प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाएं। तूने दी मुझे एक धुन नई प्रभु, इस कठिन हालात में भी प्यारो हमें आनंद के गीतों से भरने वाले प्रभु है। आमीन। तूने दी मुझे एक धुन नई और घेरा एक नए गीत से। कैसा गीत? छुटकारे का। हालेलुया प्यारो। आप जो कठिन हालात में हो, आप विश्वास करिए प्रभु आपके लिए छुटकारे का गीत आपके मुंह से आपको गाने के लिए अद्भुत अवसर देने वाला है। आप छुटकारे का गीत गाओगे, आप विजय का गीत गाओगे, आप विलाप का गीत नहीं गाने वाले। हालेलुया। विश्वास कहिए, प्रभु मैं विलाप का गीत नहीं गाने वाला, मैं विजय का गीत गाने वाला हूँ। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु है जो आपको विजय के बीच ले जाने वाला है। छुटकारे का मेरे शत्रु से, जब तक डर ना निकले दिल से। हालेलुया। आई प्यारो, इस कठिन हालात में जो भी डर हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, उस डर के ऊपर आज विजय पाए। कहिए प्रभु से, प्रभु मैं डर का गुलाम नहीं हूँ। हालेलुया। आगे की लाइन कहती है, मैं डर का गुलाम नहीं, क्योंकि मैं खुदा की संतान हूँ। प्रभु ने मुझे डर की, भय की आत्मा नहीं दी है,
प्रभु ने मुझे अपने बेटा बनाया है, मुझे गोद ले लिया है, मुझे उसके बेटे और बेटी बनाकर उसने हर एक डर की आत्माओं से आजाद किया है। प्रभु को कहे, प्रभु मैं डरने वाला नहीं हूँ इस कठिन हालात में, क्योंकि मैं डर का गुलाम नहीं हूँ, मुझे डर की आत्मा नहीं पर पवित्र आत्मा मिली है। हालेलुया, आए प्रभु को महिमा देते हुए गाए। मैं और हम सब मिलकर ये गाना सीखें, मेरे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया होगा, लेकिन आए गाए विश्वास से कि मैं डर का गुलाम नहीं हूँ। आमेन। शत्रु से जब तक डर ना निकले दिल से, अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। हाथों को उठा कर गाए, अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। तूने दी मुझे एक धुन नई और घेरा एक नए गीत से, छुटकारे का मेरे शत्रु से जब तक डर ना निकले दिल से, अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान। अपने हाथों को उठाए और निकले कर, अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। यार वो परमेश्वर ने आपको अपनी माँ के गर्भ से चुना है प्यारों, और आपको प्रेम से उसने पुकारा है। जब हमने उसे प्यार भी नहीं किया था, जब उस हम उसे जानते भी नहीं थे, तब से हमारी माता के गर्भ से हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, उससे पहले उसने हमें पुकारा। हालेलुया, हमें नया जन्म दिया यीशु के बलिदान के द्वारा, उसके ऊपर के विश्वास के द्वारा, और अब हम उसका वंश हुए हैं। हालेलुया, कहे मैं यीशु का वंश हूँ, यीशु का बेटा बना हूँ, और उसका रक्त आपकी रगों में बह रहा है, उस सामर्थ्य लहू आपके शरीर में बह रहा है, आपकी रगों में, आपकी वेंस में यीशु का लहू बह रहा है, क्योंकि आप उसकी संतान हो। पृथ्वी पर के माता पिता के जीन हमारे जीवन शरीर में आते हैं, ब्लड में आते हैं उनके जीन्स, हम यीशु के संतान हैं, और उसका लहू हमारे शरीर में बह रहा है। हालेलुया, आए उसे महिमा देते हुए गाए। माँ के गर्भ से तूने चुना मुझे, पुकारा मुझे
प्रेम ने नए जन्म से तेरा वंश बना, बह तेरा रक्त रगों में। एक और बार गाए, माँ के गर्भ से तूने चुना मुझे, पुकारा मुझे प्रेम ने नए जन्म से तेरा वंश बना, बहे तेरा रक्त रगों में। तो विश्वास से गाए, मैं डर का, मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान। हाथों को उठाकर गाए, मैं डर का, मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान। एक और बार गाए, मैं डर का गुलाम नहीं, मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान मैं। हालेलुया, हालेलुया, ताकि मुझको राह मिले, तेरे प्यार में भय मेरे डूबे, तूने बचाया अब मैं गाऊंगा, खुदा की संतान तू मैं। एक और बार गाए, सागर दो भागा ताकि मुझको राह मिले, तेरे प्यार में भय मेरे डूबे, तूने बचाया अब मैं गाऊंगा, यीशु की संतान मैं। हाथों को उठाकर गाए, यीशु की, यीशु की संतान। एक और बार, यीशु की, यीशु की संतान मैं। हालेलुया, हालेलुया, सागर दो भागा ताकि मुझको राह मिले, तेरे प्यार में ढहे मेरे डूबे, तूने बचाया अब मैं गाऊंगा, यीशु की संतान। हाथ उठाकर गाए, यीशु की संतान मैं, यीशु की डर को अपनी नजर के सामने रखकर गाए, विश्वास की आवाज में, मैं डर का गुलाम नहीं, तू यीशु की संतान मैं, यीशु की संतान, यीशु की संतान मैं, यीशु की संतान।
मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, डर मेरे पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरे अंदर डर की आत्मा नहीं रह सकती, मेरे अंदर भय की आत्मा नहीं रह सकती। Be free from every kind of fear in Jesus name। हाथों को उठाकर गाए, भय मेरे अंदर से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से दूर हो जाए यीशु मसीह नाजरी के नाम से। मैं भय का गुलाम नहीं हूँ। हालेलुया। यीशु की संतान हूँ मैं। हाथों को उठाए प्यारे, और आज विश्वास से डिक्लेयर करें, मैं महामारी के भय का गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी भी दुष्ट आत्माओं के भय का गुलाम नहीं हूँ। यीशु ने मुझे स्वतंत्र कर दिया, मैं उसका बेटा हूँ। मेरे लिए वो सागर को भी दो भाग में बांट सकता है। हालेलुया। हाथों को उठाकर कहे, प्रभु तू मेरे लिए सागर को भी दो भागों में बांट सकता है। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। सागर दो भागा ताकि मुझको राह मिले, तेरे प्यार में भय मेरे डूबे, तूने बचाया अब मैं गाऊंगा, यीशु की संतान हूँ मैं, यीशु की संतान हूँ मैं, अब मैं भय का गुलाम नहीं, यीशु की संतान हूँ मैं। आई वचन में जाए उससे पहले एक आखिरी बार गाऊं, अब मैं भय का गुलाम नहीं, क्योंकि यीशु की संतान हूँ मैं। आदर मान और सम्मान हम उस परमेश्वर को देते हैं जो माँ के समान हमें प्यार करता है, हमारे बदले कुर्बान हुआ, और जिसकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसती है, कोई भय की आत्मा हमारे अंदर नहीं बस सकती। प्रभु का हम धन्यवाद देते जिन्होंने माँ के गर्भ से हमें चुन लिया, और हमारे लिए समुद्र से भी वो रास्ता करने की ताकत रखता है। हम वो परमेश्वर के बेटे बेटी है जो सामर्थ्य खुदावंत है। हम सारी आराधना प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में लाते, आप कबूल मंजूर करें। आमीन। आमीन।